धनबाद शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध। ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मैंथन डैम के नाम से प्रसिद्ध है। जिस जगह पर मैंथन डैम बनाया गया है वह 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। मैंथन डैम वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम यानी DVC लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जिसका बांध लगभग 15,712 वर्ग फीट में बसा और लगभग 165 फीट लंबा है। भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली की लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता है और DVC एवं मैंथन थर्मल पावर द्वारा बिजली उत्पादन की जाती है। मैंथन डैम एक खूबसूरत झील है और खूबसूरत हरे जंगलों के बीच स्थित है। डैम पर प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी घूमने एवं वनभोज मनाने आते हैं। साल के दिसंबर और जनवरी माह में पर्यटकों की संख्या काफी रहती है। मैंथन डैम को झारखंड का स्वर्ग एवं क्वीन वैली के भी नाम से जाना जाता है। प्रकृति के अद्वितीय नजारा डैम के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बड़ा ही मनोरम दृश्य देखने में लगता है। डैम की यादों को अपने कैमरे में लोग कैद करते हैं। झील के आसपास फूलों के बगान एवं मिलेनियम पार्क के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। झारखंड और बंगाल की सीमा पर मैंथन डैम स्थित रहने के कारण बंगाल से भी पर्यटक काफी संख्या में घूमने आते हैं। देश के कई राज्यों से सैलानी मैंथन डैम का अद्वितीय नजारा देखने बड़ी संख्या में आते हैं। खासकर दिसंबर और जनवरी माह में यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं। सुंदर है ये जो पहाड़ है, स्मॉल स्मॉल दीप है ना, तो बहुत सुंदर है। मैं सभी भारतवासी, हमारे भारतवासी एवं सारे विश्व को भारतवर्ष की ओर से और हमारे बहु वोट घर की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोग मजे करें, आनंद करें, हमारे बाबू बोटघाट में आए, बोटिंग का मजा ले, मैथन डैम की ब्यूटी को देखें, यही कामना करता हूँ। ईश्वर सभी को अच्छा भविष्य प्रदान करे। तो डैम डिविजन का अंडर में बागान मेंटेन होता है, जैसे हर एक साल हुआ था वैसे ही हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। ये है मैथन, मैथन को बोला जाता है क्वीन ऑफ वैली, ये झारखंड का भीतर है और हम लोग कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने के लिए आदमी बाहर से आता है, मोटामोटी ऑल इंडिया से ही है आता है टूरिस्ट लोग, वो लोग को स्वागत करते हुए हम लोग बागान को भी आगे बढ़ा रहा है। पर्यटकों को लुभाने के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। पिछले 2-3 महीने से DVC द्वारा डैम की साफ सफाई, रंग रोगन तथा फूलों के बगानों को अच्छी तरह से देख रेख कर रहे हैं, ताकि जो भी पर्यटक मैंथन आए वो भूल ना पाए। लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं, इसको लेकर प्रशासन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी रहती है। कोई अप्रिय घटना न घटे इसे लेकर डैम के चारों दिशा में चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद रहते हैं। गश्ती लगातार होगी, फोर्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी तरह का सुरक्षा का भावना ना हो। साथ ही साथ नाविकों को भी हिदायत दिया गया कि क्षमता से अधिक उस पर सवारी ना ले जाएं और लाइफ जैकेट अनिवार्य करेंगे और सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराने का हम लोग ये करेंगे और जो कोरोना गाइडलाइन है मास्क वगैरह का प्रयोग करने बिना इन सब सुरक्षा उपायों के उन लोग को अपने नाव में घुमाने के लिए हम लोग नहीं इजाजत देंगे। साथ ही सभी बाहर से आए लोगों को अच्छे तरीके से इस क्षेत्र से घूम के जाएं, इसके लिए हम लोग पूरा सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे कि अपनी खुशी में किसी दूसरे का खुशी का व्यवधान ना हो और शराबियों पर विशेष नजर रखेंगे कि हुड़दंग ना करें। अगर वैसे करेंगे तो कानून के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत उन लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।